बड़ी खबर आपको दे दे, कठुआ गैंगरेप मामले पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अपने दो मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया है, लेकिन बीजेपी और पीडीपी के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इसी वजह से सरकार पर खतरा बना हुआ है। ये तीन तस्वीरें कठुआ में 8 साल की बच्ची के गैंगरेप और हत्या पर जम्मू कश्मीर सरकार में मचे बवाल को बता रही है। कयास लग रहे हैं कि सरकार में पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन टूट जाएगा। कोई अपराधी बचेगा नहीं, न्याय होगा और पूरा होगा। उन बेटियों के साथ जो जुल्म हुआ है, उन बेटियों को न्याय मिल के रहेगा। कल पीएम मोदी जब पहली बार कठुआ रेप केस पर बोल रहे थे, तभी जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी के दो मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। एक मंत्री का नाम चंद्र प्रकाश और दूसरे वन मंत्री लाल सिंह। दोनों मंत्रियों पर कठुआ गैंग रेप केस में पकड़े गए लोगों के बचाव के आरोप लग रहे थे। आज जम्मू कश्मीर में पार्टी के प्रभारी राम माधव यहां नेताओं से मिलने पहुंचे और बताया कि इस्तीफा क्यों दिया। प्रधानमंत्री जी और पार्टी का और नेताओं के उनके का साथ परामर्श करने के बाद उन्होंने ये तय किया कि वे अपने मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। जो घटनास्थल वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुआ, उस जनता का उस समूह को संबोधित करने के लिए पार्टी के कुछ नेता और दो मंत्री वहाँ गए थे, उसके चलते एक गलत फहमी निर्माण होने की संभावना बनी। राम माधव जिस रैली का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल वो हिंदू आरोपियों को बचाने के लिए आयोजित की गई थी। इसी रैली में बीजेपी के ये दोनों मंत्री पहुंचे थे। हालांकि अब दोनों मंत्रियों का दावा है कि वो पार्टी के कहने पर लोगों को समझाने गए थे और इस्तीफा देने वाले मंत्री पीड़ित बच्ची को अपनी बेटी जैसा बता रहे हैं। हमारी बच्ची है, सबसे पहली बच्ची हमारी है, मेरे इलाके की बच्ची है, मेरे एरिया जिला की बच्ची है, मेरी बच्ची मेरी बेटी के उसे कम नहीं है। तो ये मेरा कहने का मकसद है, कल्प्रेट मस्ट बी पनिश। उस दिन भी कहा, आज भी कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ। जब इन्होंने गेम तो खुद बदली है ना, केस कहाँ का कहाँ घुमा रहे हैं ना, क्या परेशानी होगी इनको, मुझे बताओ भाई दीवे यार, सीबीआई इंक्वायरी में क्या तकलीफ थी भाई दीवे एग्जाम्पल। उधर आज श्रीनगर में सीएम महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि महबूबा इन दोनों मंत्रियों को सरकार से बाहर करने वाली थी, लेकिन बीजेपी ने दोनों से पहले ही इस्तीफा दिलवा दिया। वी आर नेदर डिक्टेटेड बाय एनीबॉडी नॉर कैन एनीवन डिक्टेट अस। वी हैव डन आवर बिट। आई विल वेट फॉर द स्टे फॉर द पीडीपी टू टेक ए व्यू ऑन दैट एंड convey what is the view of the leadership, then we will see. What about the two ministers who are reportedly involved in this? नहीं, जो भी हो आप, let's not personalize. क्राइसिस की बात की जाए? नहीं, क्राइसिस कौन सी है? क्राइसिस कोई है नहीं मेरे हिसाब से, क्राइसिस कोई है नहीं। एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू था, इसको हैंडल चीफ मिनिस्टर ने जिस तरीके से किया। मंत्रियों के इस्तीफे के बाद भी पीडीपी और बीजेपी की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि परसों होने वाली कैबिनेट की बैठक को सीएम महबूबा मुफ्ती ने रद्द कर दिया है। हर खबर की लेंगे खबर मास्को स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।